हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज के वीडियो में हम दो प्रॉब्लम्स देखेंगे एक प्रॉब्लम देखेंगे कॉम्बिनेशन और दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे परम्यूटेशन के ऊपर दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि दोनों मींस कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बीच में जो बारीक डिफरेंस होता है जो बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस होता है वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स का होता है तो उसी पर बेस्ड जो है आज का ये दो प्रॉब्लम है देखते हैं स्टार्ट करते हैं There आर फोर्टी टू मैन एंड सिक्सटीन वोमेन इन अ पार्टी ईच मैन his हिज हैंड ओनली विथ ऑल द मैन एंड with विथ women's women's only. ओनली फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ शेक हैंड्स इन द पार्टी देखिए दोस्तों यहाँ पर एक तरफ 42 टू मैन जो कि सिर्फ मैन से शेक हैंड करेंगे और दूसरी तरफ 42 टू women वोमेन हैं जो सिर्फ women से शेक हैंड करेंगे खास बात दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो 42 टू मैन है ये सब सेम आइडेंटिटी है सेम सेम मीन्स एक सेम टू सेम आइडेंटिकल है जैसे लास्ट जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था कि फोर पॉइंट्स हैं उससे ट्रायंगल बनाना है तो ये जो मेंस हैं ये सारे मेन जो है आइडेंटिकल हैं सिमिलरली 16 वुमेन जो हैं ये भी म्यूचुअली आपस में आइडेंटिकल हैं इनमें हम बाइफर्केशन नहीं कर रहे हैं कि ये डिस्टिंक्ट है या ये डिस्टिंक्ट है तो सिंपल इसका मीनिंग ये हो गया ये क्वेश्चन चूंकि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है जो कि हमें साफ देखने में समझ में आ रहा है तो मैंस कितने लोगों से शेक हैंड करेंगे तो नंबर ऑफ शेक हैंड बाई मैन या अमंग द मैन इक्वल टू फोर्टी टू सी टू सिमिलरली वी कैन से दैट नंबर ऑफ शेक हैंड अमंग दुमेन क्योंकि शेक हैंड करने के लिए दो हैंड की रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए 42 टू टोटल नंबर ऑफ मैन है और दो बंदे चाहिए दो हैंड चाहिए तो आप उसके लिए 42 टू हो गया और ये हो गया 16 सी टू तो टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स अब ये कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है कैलकुलेशन करने के लिए ये हो गया 42 फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू फोर्टी टू माइनस टू यानी फोर्टी फैक्टोरियल तो ये हो गया 42 टू इंटू फोर्टी अपॉन टू कैसे हो गया 42 टू इंटू फोर्टी वन इंटू फोर्टी फैक्टोरियल अपॉन ऑन फोर्टी फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो ये टू बचा तो ये नेट में आ गया ये जो भी वैल्यू है ट्वेंटी वन इंटू फोर्टी वन ये जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आप ट्वेंटी वन वन या ट्वेंटी वन टू एट्टी सिक्स यानी एट सिक्सटी वन शेख हैंड करेंगे अगर सिर्फ मैन का मैन की बात की जाए नाउ कम टू नंबर ऑफ शेक हैंड्स डन बाई वोमन ओनली तो वो वैल्यू आई सिक्सटीन सी टू ये वैल्यू हो गई सिक्सटीन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फोर्टीन फैक्टोरियल ऑल राइट तो ये बन गया सिक्सटीन इंटू फिफ्टीन फोर्टीन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया अपॉन टू एट इंटू फिफ्टीन वन ट्वेंटी तो नेट में टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स कितने हुए एट सिक्सटी वन मैन के तरफ से और वन ट्वेंटी वोमेन की साइड से तो टोटल शेक हैंड हो गए एट सिक्सटी वन प्लस वन ट्वेंटी तो नाइन हंड्रेड कितना हो गया एट्टी वन ये हमारा आंसर आएगा टोटल यहाँ पर खास बात सिर्फ इतनी सी है कि ये मैन में आप इनको बाइफरकेट नहीं कर सकते कि इनमें एक मैन और दूसरे मैन में कोई डिफरेंस है तो ये सब आइडेंटिकल है सिमिलरली ये जो 16 वोमेन है ये भी आइडेंटिकल है यानी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है ये सब आइडेंटिकल है फोर्टी टू सीट टू से नंबर ऑफ मैन के शेक हैंड और नंबर ऑफ वुमेन के शेक हैंड सिक्सटीन सी टू से आ गया जो कि वैल्यूज रेस्पेक्टिवली आई और टोटल शेक हैंड आ गए ये सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइव डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स वन थ्री फाइव सेवन नाइन नो नंबर बींग रिपीटेड दोस्तों ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पांच डिजिट के नंबर हैं और इससे हम पाँच डिजिट के नंबर इन फाइव डिजिट्स को लेकर के बनाने जा रहे हैं जिसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता इसका मतलब क्या है ये बिल्कुल आइडेंटिकल केस हम लोगों ने देखा हुआ है इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी फाइव नंबर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वन थ्री फाइव सेवन नाइन लिया तो ये एक नंबर हो गया दूसरा अगर मान लीजिए थ्री वन फाइव सेवन नाइन लिया तो ये उन्हीं डिजिट से बन के नंबर है लेकिन ये दूसरा नंबर हो गया दूसरा आंसर दो वैल्यूज आ गई इसका मतलब इसमें हमें देख करके लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर करेगा चूँकि डिजिट्स को अगर आपने वंस प्लेस से और हंड्रेड से या थाउजेंड या टेन थाउजेंड प्लेस पर स्वैप uh, कर दिया तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर करेगा इसका मतलब परम्यूटेशन पिक्चर में आएगा परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाया जाएगा तो फाइव डिजिट हैं और फाइव ही डिजिट का नंबर बनाना है तो वैल्यू विल बी फाइव पी फाइव फार्मूला आप सभी को आता है फाइव फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव माइनस सॉरी फाइव माइनस एंड माइनस आर फैक्टोरियल फाइव माइनस फाइव फैक्टोरियल ये वन फैक्टोरियल इज वन तो फाइव इंटू फोर ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी सिक्सटी इंटू टू वन ट्वेंटी दिस इज योर फाइनल आंसर ऑल राइट तो परमिटेशन में ख़ास बात यह है कि उनके ऑर्डर ऑफ़ अरेंजमेंट्स को हमें देखना है और आप जिस मोमेंट पे क्वेश्चन को दो बार पढ़ लेंगे उस मोमेंट पे आपको ये समझ में आने लगेगा कि इसमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आएगा या नहीं आएगा ऑल राइट right? तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक like करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू